बिना किसी तामझाम के सिर्फ बातों बातों में आप इसे सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी बनकर तैयार हुई है। आपको इसमें हल्का सा तीखापन भी मिलेगा, हल्की सी मिठास मिलेगी, साथ ही हल्का सा मसालों की भी खुशबू मिलेगी। बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आप इसे सुबह बनाइए, शाम बनाइए, दिन में बनाइए, जब कभी भी आपका बनाने का मन करे आप इसे जल्दी से बना सकते हैं और भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके आगे आपको सब्जी छोले पनीर भी फीकी लगेगी, एक अलग सा आपको टेस्ट मिलेगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत सुनीता किचन में। कहो कैसे हो आप, तो चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले गैस चलाकर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाए तब यहाँ पे हम तड़का डालेंगे। आप चाहे तो तेल की जगह देसी घी भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा तेल थोड़ा सा देसी घी मिलाकर भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया अच्छा खासा, या फिर हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और जीरा के साथ ही छोटे चम्मच से आधा चम्मच लगभग हमने यहाँ पे सरसों डाल दिया। जीरा सरसों दोनों लाल हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिसे बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज को एकदम बारीक चॉप करना है, और छोटे प्याज ले रहे हैं तो 3 से 4 प्याज ले सकते हैं। अब प्याज के साथ ही यहाँ पे हरे लहसुन को बारीक कट करके डाल देंगे। अगर हम हरे लहसुन को पहले डाल देते ना तो हरे लहसुन काले पड़ जाते, इसलिए हरे लहसुन डाले तो प्याज के साथ डालिएगा। और छोटे चम्मच आधा चम्मच हमने डाल दिया है अदरक को छीलकर कद्दूकस करके अच्छे से मिला लेना है। गैस को हमने यहाँ पे मीडियम रखा है। अगर आप बस हरे लहसुन नहीं है, सूखे वाले लहसुन है ना, उसे पहले तेल में फ्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद प्याज डालिएगा। 8 से 10 हमने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया कट करके, तो करी पत्ता आपको जरूर ऐड करना है, तभी टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पे प्याज को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। प्याज को लाल नहीं करना है, और साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे तीखापन देने के लिए हरी मिर्च। जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल दीजिएगा, नहीं तो आप हरी मिर्च की जगह ना साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे डाल दीजिएगा, और जितना तीखा खाते उस हिसाब से मिर्च का यूज कीजिएगा। यहाँ पे हमने प्याज को भून लिया, आप देख सकते हैं लाल नहीं किया है, बस प्याज का कच्चापन निकाल दिया है। इस तरीके से चलाते हुए प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। अब गैस को हम धीमा करते हैं, मसाला डालते हैं। आधा चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल दिया है जिससे अच्छा सा कलर आए। थोड़ा सा हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं ना तभी डालिएगा, नहीं तो लाल मिर्च वाले प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ आप एकदम थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना, एकदम थोड़ा सा डालना है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो तीखा नहीं होता है, बस इससे अच्छा सा कलर आता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम मिला लेते हैं। गैस को हमने एकदम धीमा कर दिया है क्योंकि हमें पानी की यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। धीमी आंच पे 30 से 40 सेकंड के लिए मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है कि मसाला भी भून जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं मसालों को हमने भून लिया है। अब इससे ज़्यादा मसाला को नहीं भूनेंगे क्योंकि जब मसाले में पानी नहीं होता ना तो मसाला जल्दी से जल जाते हैं, फिर स्वाद और टेस्ट खराब हो जाते हैं। तो गैस को बंद कर देते हैं। और इस मसाला को, इस भुने हुए प्याज को हमें अच्छे से ठंडा करना है, इसे साइड में रखते हैं। यहाँ एक बर्तन हमने 2.5 कप एकदम फ्रेश ताज़ी दही लिया है। आपको बासी दही यानी पुराना दही का यूज नहीं करना। अगर पुराना दही लेंगे दही में खटास होगी और रेसिपी अच्छी परफेक्ट बनकर नहीं तैयार होगी। अब यहाँ पे हम लेंगे 1/2 चम्मच चीनी जिसे हमने दही में डाल दिया है, इससे दही में हल्की सी मिठास आए। अगर घर की बनी हुई जमी हुई दही ले रहे हैं ना तो दही में आप 1/2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि घर की दही में ना हल्की सी खटास होती है। और मार्केट की दही ले रहे हैं, पैकेट वाली दही ले रहे हैं, उसमें सिर्फ 1/2 चम्मच चीनी डालिएगा। अच्छे से मिला लेना है, चीनी भी घुल जाए, साथ में दही को भी चिकना करना है, एकदम क्रीम की तरह चिकना कर लेना है। दही एकदम चिकनी हो जानी चाहिए। पानी की यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। दही की मात्रा आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। दही बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा चीनी भी बढ़ा लीजिएगा, बस दही में हल्की सी मिठास आनी चाहिए। इधर हम प्याज को भी चेक कर लेते हैं। प्याज भी अच्छे से ठंडी हो गई है। प्याज अगर गर्म रहेगी ना, गरम प्याज में हम दही को डालेंगे, दही फट जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब भी आप दही तड़का बनाए ना तो प्याज को भून कर प्याज को पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद फेंटी हुई दही डाल दीजिएगा। और नमक इसमें सबसे लास्ट में डालना है। धनिया पत्ती डाल देते हैं। और साथ में हमने लिया है स्वाद देने के लिए, टेस्ट देने के लिए यहाँ पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट। तो काला नमक डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहे तो रेगुलर नमक डाल सकते हैं जो हम सब्जी में डालते हैं, लेकिन काला नमक डालिएगा तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे एकदम थोड़ा सा पुदीना पाउडर। अगर पुदीना पाउडर है पुदीना पाउडर डाल दीजिए, नहीं पुदीना पत्ती भी डाल सकते हैं, या फिर पुदीना वाले प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। इसके जगह आप कसूरी पाउडर भी डाल सकते हैं।
तो सारी चीज़ों को हमने बनाकर तैयार कर लिया। अगर तड़का देना चाहते हैं तो आधा चम्मच देसी घी लीजिए, उसमें साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए और उसे ठंडा करके, गर्म तड़के को नहीं, गर्म तड़के को ठंडा करके आप इसमें दही तड़का में छौंक लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने रेसिपी बनाकर तैयार कर लिया। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि इसमें हमने हल्दी का भी यूज़ किया। सच में करी इतनी टेस्टी है ना, इतनी चटपटी है ना, आप इसे 10-10 रोटियाँ खा जाएंगे। या आप देख रहे हैं इतनी गाढ़ी बनी है, इसलिए आगे सब्जी भी फीकी लगेगी, छोले भी फीके लगेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी है, बनाना भी एकदम सिंपल है, ईजी है, हर किसी को पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए ना, लाइक शेयर जरूर करिएगा। नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।